आज का चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिए। आधा चैप्टर ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में फिनिश हो चुका है। इसमें आपका वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट यानी कंसंट्रेशन टर्म की वो सारी चीज़ें रहेंगी जो अभी अभी मैंने पढ़ाया था, इसलिए तुरंत उसके बाद में ये पढ़ा रहा हूँ। तो उनकी चीज़ें तो हम करवाएंगे नहीं, सीधे वेपर प्रेशर में आते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर ये आपका लिक्विड है, इसमें भरा हुआ, ये जो लिक्विड है इसके वेपर निकल करके यहाँ आ रहे हैं इवापोरेट होकर के, प्रोसेस नोन एज इवापोरेशन। और ऊपर उनके मॉलिक्यूल टकरा करके लिक्विड फॉर्म में फिर से नीचे आ रहे हैं, प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम पर दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए तो उसे उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस समय इसका जो प्रेशर आता है वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हुई वेपर प्रेशर की, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर नोन एज वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो जैसे रेट कांस्टेंट किसी के डिपेंड करते हैं ठीक उसी तरह ये भी डिपेंड करेगा। तो ये भी वही फार्मूला लाएगा, एल एन पी टू अपान पी वन इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू। ये इक्वेशन उसी तरह है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट में आप यूज करते हो, एल एन के टू बाई के वन एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ यूज करते हो, यहाँ आर वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू, ये ठीक उसी तरह है। इस पर ऐसे लिख सकते हैं, पहला टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी थी। दूसरा, अगर कोई गाढ़ा लिक्विड है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है, और विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो उनके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो मॉलिक्यूल अलग होंगे, और जब अलग होंगे तब वो वेपर फॉर्म में ऊपर जाएंगे। यही कारण है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसी भी तरह का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे विस्कोसिटी वगैरह आ गया। तीसरा, दो तरह का लिक्विड है आपके पास, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान लिया पानी ले लिया जो कि 100 पे उबल जाता है, कोई ऐसा ऑयल ले लिया जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो वेपर किसके ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा इसके बनेंगे जिसमें वाटर रखा है,
तो इस तरह से वेपर प्रेशर, वेपर जिसके ज़्यादा बनेंगे उसके मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में ज़्यादा होंगे तो उसके ज़्यादा वेपर प्रेशर होंगे। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो वेपर कम बनेंगे। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर है। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ, इन्होंने तीन तरह के बारे में बताया है, तीन तरह के सोल्यूशन के बारे में। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, इसकी बात हो रही है, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, यह है क्या? आपने जो सोल्यूशन लिया उसमें Na मोल, ए हम यहां सल्यूट को ही मान रहे हैं, और Nb मोल, तो ये सल्यूट है यानी कम अमाउंट में है, और ये सॉल्वेंट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में है, यहाँ मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स पड़े हैं। आप इसको एक्से के टर्म में कर सकते हो, एक्से यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होंगे, जिसके मोल फ्रैक्शन कम, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसके मोल फ्रैक्शन कम होंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिवाइड है, डिफाइन है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। उसी तरह ये एक्स भी आएगा, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो कि होगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये आपने बंद कर दिया बर्तन को, इसके वेपर यहाँ बन रहे हैं, और जो वेपर बन रहे हैं उसने टोटल प्रेशर पी टी लगाया, और जो टोटल प्रेशर है इसी को आप पी टी भी कहते हो या पी एस कहते हो, तो पी टी ही रखो अभी। ये क्या होगा, ए ने कितना प्रेशर लगाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी ने कितना प्रेशर लगाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ए उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा जितने ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, अब किसके मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, जिसके मोल मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा होंगे उसी के ज्यादा जाएंगे। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि अंदर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पी नॉट ए है, पी नॉट ए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा जैसे बताया था। तो P नॉट A यानी PA तो वेरी करेगा लेकिन P नॉट A नहीं वेरी करेगा, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म है, जो कि वेरी नहीं करेगा, डिपेंड करेगा यानी वेरी करेगा सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन टेम्परेचर, जबकि पी ए हर बार चेंज हो जाएगा एक्स ए के चेंज होते ही। उसी तरह पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो पी बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी पी नॉट बी, हाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर हम दोनों को जोड़ें तो पी टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये आपका मेन फार्मूला आ गया जो टोटल प्रेशर वहां बन रहा है। अब एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी आपके पास आ चुका है, एक्स ए और एक्स बी का सम वन होता है, तो एक्स बी की जगह हम वन माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं,
तो एक्स वी की जगह अगर हम ये रखें तो पी टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस वन माइनस एक्स ए पी नॉट वी। अगर इसको हम खोलें तो एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट वी माइनस एक्स ए पी नॉट वी। यहाँ से एक्स ए आप कॉमन ले लो तो पी टी आएगा, एक्स ए कॉमन ले लिया आपने, पी नॉट ए माइनस पी नॉट वी प्लस पी नॉट वी, ये पी टी आया। ये आपका यहाँ पे पी टी आ गया। अगर आप ए की जगह वन माइनस एक्स भी रखोगे एक्स ए की जगह तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा, चेंज करके सारे ए को आप बी में कन्वर्ट कर दो वो फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स बी, यहाँ हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, गिवन पी टी इक्वल टू या पी एस इक्वल टू 120 एक्स बी प्लस 90 एम एम एच जी, ये क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। यानी अगर पूछ लिया जाए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, तब उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है प्योर फॉर्म। तो भैया जब एक्स ए जीरो होगा तो सिर्फ एक्स बी होगा यानी प्योर बी है, और जब एक्स ए वन होगा तो उस समय एक्स बी जीरो होगा, उस समय प्योर ए है, यानी उस समय जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो पी नॉट ए है, इस समय जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो पी नॉट बी है। तो यहाँ रखो पी टी इक्वल टू, हमने एक्स ए को जीरो कर दिया तो एक्स बी को वन रखना पड़ेगा, तो 120 इंटू वन प्लस 90 ये आपका आ गया 210 एम एम एच जी, ये तो आ गया पी नॉट बी। ये वैल्यू किसको बता रहा है, पी नॉट बी को, यानी इस समय ये प्रेशर पी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट बी को। अब प्योर ए कब मिलेगा, जब एक्स ए को वन रखो, एक्स ए को वन रखोगे तो एक्स बी की वैल्यू जीरो रखोगे, तो इस वाले फार्मूले में एक्स बी की वैल्यू जीरो रख दो, तो पी टी इक्वल टू उस समय पी नॉट ए होने वाला है जब आप एक्स बी की वैल्यू जीरो रख दोगे, तो ये यहाँ से जीरो हो जाएगा और वैल्यू आएगी 90 एम एम एच जी। इस तरह से ये आपको मिल गया पी नॉट ए और पी नॉट बी। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा 3 मोल ऑफ लिक्विड ए जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 300 एम एम एच जी मिक्स्ड विथ 4 मोल या 2 मोल कर दो, 2 मोल ऑफ लिक्विड बी जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 200 एम एम एच जी है, फाइंड क्या क्या करना है। पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट, तीसरा वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, और चौथा कंपोजिशन ऑफ सेकेंड डिस्टिलेट। इससे आपको चार क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराया जा रहा है कॉन्सेप्ट के साथ। तो तीन मोल लिक्विड ए है, ये जो आपका बर्तन है कंटेनर, इसमें तीन मोल तो ए है। ए के कितने मोल हैं? तीन मोल। और बी के कितने हैं? दो मोल। तो एक्स से कितना आने वाला है? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। वैल्यू रखो, क्यों निकाल रहे हैं ये? टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए एक्स ए और एक्स बी दोनों चाहिए। तो थ्री अपान टू प्लस थ्री, यानी ये आया थ्री बाई फाइव। एक्स बी ये आपका है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ये वैल्यू आ रही है टू अपान टू प्लस थ्री यानी टू अपान फाइव। आपको चाहिए टोटल प्रेशर पी टी या पी एस, ये क्या होगा? एक्स ए पी नॉट ए, एक्स बी पी नॉट बी। एक्स ए की वैल्यू यहाँ थ्री बाई फाइव, और P नॉट A इन्होंने कितना दे रखा है क्वेश्चन में 300, प्लस एक्स बी की वैल्यू यहाँ 2 बाई फाइव, और P नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 mm। ये सॉल्व करो 60, ये आया 180, और ये सॉल्व करो 40, ये आया 80। ये वैल्यू 260 mmHg का प्रेशर आपको टोटल प्रेशर मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ जो टोटल प्रेशर मिल रहा है वो पहला काम हो गया। अगर डिस्टिलेट है क्या, यहाँ से कंटेनर को दूसरी पाइप से कनेक्ट करके अगर हम इसके सारे वेपर को कंडेंसेट कर लें, कंडेंसर मिला करके यहाँ कंडेंसेट कर लें, तो यहाँ लिक्विड फॉर्म में जो आएगा ये वही कंपोनेंट आएगा जो यहाँ पर वेपर फेज में मौजूद है। तो इस पे मोल फ्रैक्शन को हम वाई ए और वाई बी मान रहे हैं। ए का जो वेपर फेज में प्रेशर वो मोल फ्रैक्शन है वाई ए, और बी का जो है वो वाई बी। ए का जो ऊपर मोल फ्रैक्शन है वो कैसे पता चलेगा? वो आपको लगाना पड़ेगा दो रूल को। वाई ए जो होगा वो ए ने कितना प्रेशर लगाया अपॉन टोटल प्रेशर से निकाला जाएगा। ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, और जो वाई बी होगा वो बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर और टोटल प्रेशर से निकाला जाएगा। तो पी ए की वैल्यू कितनी है, क्योंकि फ्रैक्शन है, वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वन। तो ये प्लस ए करोगे तो ऊपर भी पी टी के बराबर हो जाएगा, वन आ जाएगा। और कोई भी कंपोनेंट ऊपर उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना उसके मॉलिक्यूल ऊपर होंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ए की वजह से है अपॉन टोटल प्रेशर। तो ये आपका वाई ए आ कितना रहा है, वाई ए की वैल्यू आ रही है 180, और टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 260। और कैंसिल कर दो 30, ये आया। अब वाई बी चाहो तो इस फार्मूले से निकालो, अच्छा है 1 माइनस वाई ए कर दो, वैल्यू एक ही आएगी। तो 1 माइनस 9 बाई 13 हम करेंगे तो 13 माइनस 9 यानी 4 बाई 13 आ जाएगा।
यानी बी का कंपोनेंट ऊपर कम रहेगा वेपर फेज में और ए का कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा, यानी ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का, फिर इसका मतलब ये है। ये आपका आ गया वाई ए और वाई बी, जो यहाँ पे आया वही कंडेंसेट हो करके यहाँ पहुँचा है, जिसे आप एक्स ए डैश और एक्स बी डैश कह रहे हो, एक्स ए डैश और एक्स बी डैश, ये वही है, यानी एक्स ए डैश वही है जो वाई ए आया, जो कि वैल्यू कितनी है 9/13, और एक्स बी डैश उतना ही है जो कि वाई बी बना, जो कि है 4/13। ये है कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज सॉल्व हो चुका, ये और ये। कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट वही है जो यहां वेपर फेज में गया था, वही यहां पे आया है, सेम आंसर। अब है कंपोजिशन ऑफ सेकेंड डिस्टिलेट, इसको सॉल्व करना है तो पहले हमें इन चीजों को हटाना पड़ेगा, फिर आपको बताते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। यानी सेकेंड डिस्टिलेट आपको तभी मिलेगा जब इससे निकला हुआ वेपर दूसरे कंटेनर में आए। अब ये जो यहां आया वाई ए डैश वाई बी डैश, ये वेपर जब यहां पहुंचेगा तो वो कहलाएगा एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश, ये आपका कंपोजिशन सेकेंड डिस्टिलेट का है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, एक्स ए डबल डैश अगर आपको निकालना है तो ये वाई ए डैश है, अब वाई ए डैश कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, इस लिक्विड से, तो इस लिक्विड से मिल रहा है तो पी ए डैश अपान पी टी डैश से मिल रहा है। अब पी ए डैश इस समय क्या होने वाला है, एक्स ए डैश इंटू पी नॉट ए, यानी हमने कहा था ये तो चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, और ये होगा एक्स ए डैश पी नॉट ए प्लस एक्स बी डैश पी नॉट बी। अब एक्स ए डैश की वैल्यू वही है जो आप निकाल चुके हो वाई ए के टर्म में, वाई ए और एक्स ए डैश एक ही है, तो आप यहाँ ये वैल्यू रखोगे 9/13 इंटू ए पी नॉट ए, वो चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर आपने वेरी नहीं कराया, वेपर प्रेशर कितना है 300 अपान 9/13 इंटू 300 प्लस 4/13 इंटू 200। ये जो आप सॉल्व करोगे ये आपका एक्स ए डबल डैश आएगा, तो एक्स बी डबल डैश की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1 - xa" कर देना, ये आपका कंपोजिशन जो आएगा वो होगा सेकेंड डिस्टिलेट का, आराम से सॉल्व हो जाएगा 13 ये 9 * 27 सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, वहाँ से ये 2700 अपॉन 13, नीचे भी आया 2700 अपॉन 13, और 4 * 8 = 800 अपॉन 13, ये आप कैंसिल कर दो, ये वैल्यू आएगी 2700 अपॉन 8 * 7 = 1500, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 27 अपॉन 35। ये डाटा किसका आ रहा है, एक्स ए डबल डैश का, यानी ए का सेकेंड डिस्टिलेट का कंपोजिशन आ रहा है, और 1 में से इसे माइनस कर देंगे तो 7 * 3 = 5 = 3 = 8, ये एक्स ए डैश आया डबल डैश, तो एक्स बी डबल डैश क्या आएगा, 1 में से इसको माइनस करोगे 3 * 5 = 8 / 35, ये वैल्यू आई एक्स बी डबल डैश की। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर, जब आपके पास सेकंड केस ले रहे हैं, इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट
डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। ध्यान देना, सब लिखा है नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट होता क्या है? नॉन वोलाटाइल सल्यूट ये होता है जिसको आप डिजॉल्व तो कर दिया, सॉल्वेंट पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं लेकिन कभी भी सल्यूट पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है। तो जब सल्यूट पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा तो सल्यूट पार्टिकल की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल की वजह से होगा। तो पीटी जिसे आप वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन कहते हो, यह है क्या? एक्स ए पी नॉट ए, एक्स बी पी नॉट बी। हमने बी को यहाँ सॉल्वेंट मान रखा है। अगर सल्यूट ऊपर गया ही नहीं तो ये वैल्यू जीरो आ गई। तो पी एस की वैल्यू आ रही है एक्स बी पी नॉट बी। डाटा हमें सल्यूट का दिया जाता है कि कितना अमाउंट मिला है, तो हम इसको एक्स ए के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो वन माइनस एक्स ए हो गया पी नॉट बी, ये हुआ पी एस। ये पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी ये इक्वल टू पी एस। पी नॉट बी को इधर भेज दो, पी एस माइनस पी नॉट बी ये वैल्यू आ रही है माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी। अब ये डाटा बता रहा है, जरा ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, वेपर प्रेशर भी कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? वेपर ना तो ये नेगेटिव ना ये नेगेटिव, लेकिन ये डाटा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू बड़ी है, तो पी नॉट बी बड़ा है पी एस से, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। और पी नॉट बी माइनस पी एस, अब साइन चेंज हो जाएगा या माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स ए पी नॉट बी। इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन इस पी नॉट बी को हम इसके नीचे कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ए के बराबर। अब इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होते। ध्यान रखना पी नॉट बी के सिंबल को कभी कभी पी नॉट ही लिखा जाता है, मतलब दोनों का एक ही होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब पी एस यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। तो ये इक्वेशन यहाँ से आई। कुछ जगह पे क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है, अगर इसको हम लिखें एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, तो जैसे डाटा ये लिख दिया जाता है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो उस समय हम Na को इतना कम लेते हैं कि Na प्लस Nb की जगह पर जहाँ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है हम सिर्फ वहीं बड़ी वैल्यू लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पर नहीं आप निगलेक्ट कर सकते। तो वहाँ पे आपका P नॉट B माइनस पी एस अपान पी नॉट B, जिसे आप फिर से क्या लिख सकते हो, P नॉट B की जगह पे P नॉट पी एस अपान पी नॉट, वहाँ पे हम इसको नेगलेक्ट करके एन ए अपान एन बी लिख देते हैं, जो कि होता है डब्ल्यू ए बाई एम ए वेट ऑफ सल्यूट मोलर मास ऑफ सल्यूट। इसको चेंज करोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे हो जाएगा, मोलर मास ऊपर चला जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी हम यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही ये चीज़ दिखे, तो अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तब हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो दिखाते हैं आपको। तो आपके पास ये डाटा आ चुका है, इसके जगह पे हम पी नॉट यूज कर सकते हैं, हम उसी से आपको दिखा रहे हैं कि वेरी डाइल्यूट शब्द क्वेश्चन में इंडिकेट ना किया जाए तो भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पी एस लिखेंगे और वो हम यहाँ से डिराइव करते हैं।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये वैल्यू आ रही है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब आपको क्या करना है, रिवर्स कर दो, यानी ये पोर्शन ऊपर और ये पोर्शन नीचे। पी नॉट माइनस पी एस, ये वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है, एन ए प्लस एन बी बाई एन ए। अब आप क्या करो, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, ये इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए से वन हो गया, एन बी बाई एन ए। अब पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन, ये वैल्यू आ जाएगी एन बी बाई एन ए। इस पूरे पोर्शन को अगर हम यहाँ ले जाएं तो पी नॉट माइनस, ये पूरी वैल्यू यहाँ आ गई, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, ये वैल्यू हो गई एन बी बाई एन ए। ये ब्रैकेट खुलेगा तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस पी एस हो गया, यानी ये पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, ये वैल्यू आई एन बी बाई एन ए। फिर से इसको पलट दो तो मैंने जो कहा था वही आ गया, पी एस अपॉन पी एस ये इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। यानी जब ये इंडिकेट बहुत ज़्यादा उससे ना किया गया हो क्वेश्चन में, तो आप इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं, और ये अगर किया गया है तो समझ लो साफ कह रहा है कि क्वेश्चन में आप एन ए को नेग्लेक्ट करके इसका यूज करें, नहीं तो ये आप चाहे डायल्यूट लिखा हो, वेरी डायल्यूट, चाहे ना लिखा हो, ये एग्जैक्ट आंसर आपको दे देगा। अब इससे हम मोलल्टी के साथ रिलेशन ले सकते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, उससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जब हम कंसंट्रेशन टर्म में मोलल्टी का यूज किए थे, जब एक ग्राफ वो बनाए थे चार्ट मोलल्टी के बीच, मोलल्टी से रिलेशन, फिर मोलल्टी का वेट बाई वेट परसेंट से रिलेशन, मोलल्टी का वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से रिलेशन, वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाए। मोलल्टी होती है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अपने पास वहाँ से जो डाटा मिला है वो क्या मिला है, हमें मिला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। इसी को हम एक्सपेंड करके उधर लाने की कोशिश करेंगे, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई एम ए, और ये हो जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये वैल्यू किसकी है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस की। अब मोलैलिटी लाने के लिए ये चाहिए वो है, ये चाहिए वो नहीं है, ये चाहिए वो है, तो एम बी को हम इधर भेज दें, तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू वन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी एम बी। ये आपके पास हो चुका है डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू वन अपॉन डब्ल्यू बी। अब ऐसा करो दोनों साइड थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑटोमेटिक मोलैलिटी में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो कंसंट्रेशन टर्म का, तो मोलल्टी और मोलल्टी में रिलेशन एक ये बताया था, थाउजेंड टर्म अपॉन थाउजेंड डी माइनस एम इंटू एम ए, यानी डेंसिटी गिवन हो तो आप मोलल्टी निकाल सकते हो, और जब मोलल्टी निकाल लोगे तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट 10 अपॉन एम ए से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हो, और वेट बाय वेट परसेंट निकालने का भी फार्मूला आपको अभी बताया गया था पिछले ही लेक्चर में, 10 डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मोलल्टी से इनका कनेक्शन है, और यहाँ से आप यहाँ आ सकते हो। इस तरह से एक क्वेश्चन इस पर भी कर लिया, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, सुक्रोज C12S22O11, यूरिया
ये सारे नॉन वोलेटाइल है, NH2 CONH2, इनको मोलर मास अगर निकालोगे 180, 342 और 60 आएगा, और इनका यूज आप करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस 100 mmHg है, फाइंड वेट ऑफ यूरिया एडेड इन 100 ग्राम वाटर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम वाटर में अगर आप यूरिया का कुछ अमाउंट डालते हैं जो कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उस समय उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाए 94 mmHg। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये क्वेश्चन का इस्तेमाल आप इसके लिए करो, क्योंकि कहीं वेरी डाइल्यूट शब्द का इस्तेमाल नहीं हो, अगर वेरी डाइल्यूट करते तब हम यहाँ से पी नॉट लगाते। तो यहाँ क्वेश्चन में पी नॉट कितना दिया है, 100, पीएस दिया है 94, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपने लिया है वो कितना ग्राम है वो निकालना है आपको, और मोलर मास यूरिया का हमने कहा यूज करो 60, वो पहले ही आपको बता दिया। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस ये इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। पी नॉट की वैल्यू 100, पी एस की वैल्यू 94 अपॉन पी एस 94, डब्ल्यू वी की वैल्यू डब्ल्यू ए निकालना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट 60 यूरिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी है 18, डब्ल्यू वी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, बस सॉल्व कर लेना है। ये आएगा 6/94 इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू 18 अपॉन 60 इंटू 100। अब डब्ल्यू ए निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 × 60 × 100 अपॉन 94 × 18, ये वैल्यू आपका वेट ऑफ यूरिया बताएगी, कितने ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस एट 373 केल्विन इज 750 mmHg। वेपर प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ए नॉन वोलाटाइल एक बाय एडिंग
चार ग्राम नॉन वोलाटाइल सल्यूट एट 373 केल्विन इन 100 ग्राम वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम 750 mmHg. फाइंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. इस क्वेश्चन को तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाटर 373 केल्विन पर क्या वेपर प्रेशर रहेगा वाटर का, यानी सॉल्वेंट का. तो 373 केल्विन भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. अगर कुछ नहीं गिवन है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और उस समय वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 760 mmHg होता है, यानी 180. जब आपने उसमें 4 ग्राम सल्यूट मिला दिया, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया? 750 mmHg. मोलर मास ऑफ सल्यूट आपको निकालना है, तो इसके लिए हम वही फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस, इंफॉर्मेशन ये यहाँ से ये मिलने वाली थी, अपॉन पी एस डब्ल्यू ए बाई एम ए एम वी अपॉन डब्ल्यू बी. पी नॉट 760 750 750, डब्ल्यू ए 4 ग्राम, मोलर मास निकालना है, एम बी पानी है 18, डब्ल्यू बी 100 ग्राम, ये आ गया 10/750, 4/ma इंटू 18/100, ये इससे कैंसिल कर दो, एम ए की वैल्यू क्या आएगी, एम ए आपने इधर भेज दिया, 75 × 4 × 18, एम ए और 100 इधर भेज करके 100 से आपने डिवाइड कर दिया, ये 4 आया, ये 3 आया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 54 ग्राम है इसका मोलर मास, यानी एक मोल का वेट 54 ग्राम. तो इस तरह से दो केसेस राउल्ट्स लॉ के हो गए. अब हम बात करेंगे थर्ड क्लेम, फॉर टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड के बारे में आज हम बात करेंगे. अभी जो हमने बात की थी टू मिसिबल लिक्विड के बारे में, पहला केस था उसमें दो लिक्विड मिक्स हुए थे. अब जो हम बात करेंगे उसके बाद हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात की जिसमें वेपर नहीं बने थे. अब हम बात करेंगे जिसमें दो लिक्विड को हम मिलाएंगे तो, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे ऑयल और वाटर. तो ये यहाँ पे आपका एक लेयर हुआ और ये आपकी दूसरी लेयर हुई. भैया लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में नहीं मिल सकते, लेकिन वेपर आपस में किसी के भी मिल जाते हैं. तो ये जो एक्स ए है, यहाँ एक्स बी है, नीचे मिल नहीं रहे हैं तो एक्स ए बी वन और एक्स बी बी वन, ऊपर जो वेपर बना वो आपका पी टी होगा, और वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी. तो
पीए की वैल्यू क्या होगी, एक्स ए पी नॉट ए, और एक्स ए प्योर फॉर्म है तो वन इंटू पी नॉट ए, और पी बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स बी पी नॉट बी, ये हो जाएगा वन इंटू पी नॉट बी, इसलिए पी टी की वैल्यू यहाँ पे आएगी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, यानी पी टी हमेशा पी नॉट ए से भी बड़ा होगा और पी टी हमेशा पी नॉट बी से भी बड़ा होगा, ये फिक्स है। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी यही कारण है कि जब ऑयल और वाटर दोनों का लिक्विड फॉर्म कहीं पे मिक्स करता मिलता है तो वेपर बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्यों, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो चुका रहता है। ये तब आप देखते हो जब घर में सब्जी बन रही हो, कढ़ाही में तेल हो, ऑयल, और सब्जी को धुल करके जब इस पे डालते हो और उसमें ऑयल पहले से है, तो जब उस सब्जी का कांटेक्ट ऑयल के साथ होता है तो भाप बहुत ज़्यादा निकलता है, और जब भाप बहुत ज़्यादा निकलता है तो कब तक वो निकलता है, यानी वो वेपर तब तक ज़्यादा निकलता है जब तक उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, और जैसे ही उसके वाटर कंपोनेंट ख़त्म हो जाते हैं फिर भाप कम हो जाता है, वो वही है। टोटल वेपर प्रेशर बढ़ गया था पी नॉट ए पी नॉट बी के टर्म में, इस तरह से राउल्ट्स लॉ की तीनों कंडीशंस खत्म हुई। अब इसमें जब दो लिक्विड सॉल्यूशन को हम मिला रहे थे तो दो तरह के सॉल्यूशन तैयार हो रहे थे, एक वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और एक वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं। तो आपके इस समय जो सॉल्यूशन हैं वो दो तरह के हैं, पहला आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन है वो फॉलो करता है राउल्ट्स लॉ एट एनी डाइल्यूशन, किसी भी डाइल्यूशन पर फॉलो करेगा, और ये डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो ये फिर से दो तरह के हो जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ को जब फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन तो क्या क्या चीजें हैं, इस तरह से लिखें कि भैया जब ये पी है वो पी ए और पी वी के सम के बराबर होगा, और जो इनका पी ए है वो एक्स ए पी नॉट ए के बराबर ही होगा, ये चलेगा। दूसरा, ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो। कहने का मतलब एक ए ए मॉलिक्यूल को तोड़ो और एक बी बी मॉलिक्यूल को तोड़ो तो कितने ए बी बनेंगे, एक ए बी यहां से एक ए बी यहां से, तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज हुई, इसको तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज लगी तोड़ने में, इन दोनों के दो तरह के दो मॉलिक्यूल बनाने में उतनी रिलीज अगर हो जाती है तो डेल्टा एच नेट चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है। अगर नेट चेंज इन एंथैल्पी जीरो है इसका मतलब नेट ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा ना फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसलिए ना तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना ही वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेल्टा बी मिक्सिंग भी जीरो होगा, इसका मतलब बी ए और बी बी का जो सम था वो बी फाइनल के बराबर होगा, मिक्सर के बराबर होगा। सॉल्यूशन चाहे जैसा हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, अपने आप मिक्स होते हैं,
तो इसलिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा या स्पॉन्टेनियस होगा और इंट्रॉपी हमेशा बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन पर, तो ये चीज़ यहाँ क्या होने वाली है, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। यानी उसी तरह ये पी ए ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए, एक्स ए पी नॉट ए, और यहाँ पर वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ जाए तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डेल्टा बी ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव, यानी बी ए और बी बी को जब मिलाओगे, अगर आप पॉजिटिव डेविएशन में हो तो जो बी फाइनल बनेगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ए बी। यानी इसको तोड़ने में जो एनर्जी आपने दी, इसको तोड़ने में जो एनर्जी आपने दी, जो दो ए बी तैयार हुए तो उतनी एनर्जी नहीं मिली। जब उतनी एनर्जी नहीं मिली, इसका मतलब उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितना इनके बीच था, तो जब उतनी एनर्जी नहीं मिली तो थोड़ा दूर ही रह गए, थोड़ा दूर ही रह गए, तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन ही रहा, यानी वॉल्यूम बढ़ गया, नेट वॉल्यूम बढ़ गया। इसलिए आप ये कह सकते हो कि एफ ए ए बड़ा होगा एफ ए बी से, या एफ बी बी बड़ा होगा एफ ए बी से। यही कारण है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये तो चलेगा ही, डेल्टा जी इनका नेगेटिव होगा और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो फॉर्म हाई वेपर प्रेशर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या आप ये कह सकते हो फॉर्म लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हम नेगेटिव डेविएशन में आए तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, जो जो मैंने बात की इसी का उल्टा। यहाँ P लेस देन होगा पी ए प्लस पी बी के, यहाँ पी ए लेस देन होगा एक्स ए पी नॉट ए के, यहाँ एफ ए ए से ज़्यादा हो जाएगा एफ ए बी का, यानी एफ ए बी का ज़्यादा हो जाएगा तो कम कर देगा, 20-20 एम एल के मिलाया तो 40 के बजाय 39-38 का हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा बी नेगेटिव हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें हमेशा कांस्टेंट ही चल रही हैं, ये वही रहेगा। यहाँ पे डेल्टा जी अपने आप मिल रहा है नेगेटिव होगा, रिसोल्यूशन अपने आप मिक्स होगा, इंट्रॉपी पॉजिटिव होगा। हाई वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप, तो यहाँ लो वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप तैयार होगा, और लास्ट फॉर्म लो बॉइलिंग पॉइंट के बजाय हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर। अब इनके ग्राफ कैसे बनते हैं ये देख लिया जाए, और राउल्ट्स लॉ और सोल्यूशन के सारी चीज़ें ख़त्म आज हो गई। कल आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चलेगा। अब इसका ग्राफ और देख लो तीनों के, और एग्जांपल, बस काम ख़त्म। तो इसका ग्राफ जो आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। अगर हम यहाँ एक्स ए मान रहे हैं तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ जाएगा, यानी पी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और ये ऐसे जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स का, पी बी इक्वल टू, ये तो पी बी था, एक्स ए एक्स बी पी नॉट बी। ये जहाँ मैक्सिमम पर पहुँचेगा तो एक्स ए, जब यहाँ ये एक्स ए का ग्राफ जा रहा है तो एक्स ए यहाँ जीरो है, एक्स बी वन है,
ये जहाँ पे मैच कर पूरा पहुँच जाएगा तो यहाँ एक्स ए वन हो गया और एक्स बी जीरो हो गया, तो ये आपका पी नॉट ए कहलाएगा और ये आपका पी नॉट पी कहलाएगा। और ये ग्राफ जो जा रहा है वो पी एस का ग्राफ होगा जो कि पी ए प्लस पी बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी एस हमेशा चेंज हो रहा है। जब इसको हम पॉजिटिव डेविएशन में करेंगे तो जैसे जाना चाहिए वैसे ना जा करके, जाना ऐसे चाहिए था, पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर से जाएगा, उसी तरह जाना ऐसे चाहिए था ऊपर से जाएगा। यानी यहाँ पे पी ए ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए लिखा जाएगा और जो पी एस है वो ऐसे जाएगा, यानी दोनों एंड तो सेम होंगे, पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। और ये ग्राफ जब आप नेगेटिव डेविएशन में करोगे तब क्या होने वाला है, जितना होना चाहिए मैंने कहा ये जाएगा, ये जाता अगर आइडियल होता, लेकिन वैसे ना जा करके नीचे से जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, जो ग्रेटर देन का है वो लेस देन का हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। इनके जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से आने वाले हैं, इनका एग्जांपल होगा जैसे बेंजीन होमोलागस सीरीज के, बेंजीन प्लस टॉलुइन पहला, क्लोरो लगा करके जो नाम यहाँ डालोगे ब्रोमो लगा करके वही नाम यहाँ डाल देना, क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, क्लोरो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, मीथेनॉल इथेनॉल, यानी सी एच टू का डिफरेंस हो होमोलागस सीरीज का हो जाए। पॉजिटिव डेविएशन में क्या आएगा, पोलर के साथ नॉन पोलर आना जरूरी है, तब तो निश्चित होगा, पोलर आपने क्लोरोफॉर्म लिया उठा करके सी एस टू में डाल दो नॉन पोलर में, क्लोरोफॉर्म को उठा करके ऐसी उसमें डाल दो सी सी एल फोर में। एक पोलर पोलर का भी है, इथेनॉल और पानी का मिक्सचर, क्यों ये इसमें है, वाटर के बीच जो एच बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है, इथेनॉल मिला देते हो तो प्लस आई की वजह से एच बॉन्डेशन थोड़ी कम हो जाती है, तो पॉजिटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ शो करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। और नेगेटिव डेविएशन में कौन होगा, पोलर और पोलर के केसेस होंगे, और वो आपके कौन कौन से आएंगे, जैसे एसीटोन है उसमें आप क्लोरोफॉर्म मिला दो CsCl3, और कोई भी वाटर के साथ एसिड ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सब इसी में आएंगे, ये नेगेटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में 100 है तो ये देखा गया है कि इसके जो मिक्सचर हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा हो जाएगा, 4% का HNO3 का सोल्यूशन करीब 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ठीक उसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों के यहाँ क्या था ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो यहाँ दोनों में जिसका कम होगा उससे कम हो जाएगा, और जबकि यहाँ के मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच में रहेगा, अगर इसका 100 डिग्री है इसका 120 डिग्री है तो सोल्यूशन चाहे जब तैयार होगा उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से 120 में ही के बीच में ही होगा। बस